हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम मध्य में रुकना नहीं जानते। पेंडुलम तो देखा होगा ना आपने, घड़ी का। पेंडुलम की सबसे बड़ी खराबी है कि वो रुक नहीं सकता, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, हेल में बीच में नहीं रुकता। ऐसे ही पूरा जीवन हमारा पेंडुलम की तरह है, हम हर चीज की अति पर जाते हैं, हम बीच में मध्य में नहीं रहना चाहते, समझ गया। हम संसार को पकड़ेंगे तो इतनी दम से पकड़ेंगे, इतनी ताकत लगा के पकड़ेंगे कि बस संसार ही संसार, ख्याल में है ना। तो भोग ही भोग, पैसा ही पैसा, मकान दुकान ये वो, इसकी अति करेंगे। फिर एक दूसरी अति करते हैं त्याग करके, नहीं समझ में। आत्मा दोनों में नहीं है। पहले ये बात समझ में आई कि भोगो भोगो भोगो, फिर ये बात समझ में आई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो फिर छोड़ने में लग गए, शरीर को क्रश करने में लग गए, उपवास करने में लग गए, शरीर सुखाने में लग गए, ख्याल में है ना। वो आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, ना तो आत्मा योग से मिलता है और ना आत्मा भोग से मिलता है, क्योंकि पहले भोग का कर्तृत्व था, अब योग का है। पहले ये मानता था कि मैं कमाने वाला, मैं जोड़ने वाला, मैं पैसे वाला, मैं खाने वाला, मैं घूमने वाला, मैं पहनने वाला, मैं उड़ने वाला, मैं जोड़ने वाला, मैं पत्नी वाला, पहले ही मानता था। अब एक दूसरी सिस्टम चालू हुआ, मैं शुद्ध खाने वाला, मैं छोड़ने वाला, घर परिवार छोड़ने वाला, मैं त्यागी, मैं वृत्ति, मैं ब्रह्मचारी, मैं तपस्वी, मैं साधक, अभी मानने लगा। इन दोनों कंडीशन में मैं की पहचान नहीं हुई,